Good morning, lovely kids. Close your eyes and join your hands for prayer. This is my टूडे वी विल डू इलेवेंथ चैप्टर ऑफ योर ग्रामर बुक प्रपोजिशंस गिवन ऑन पेज नंबर फिफ्टी नाइन स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट्स डू एन एक्टिविटी बच्चे ये देखो ये डक और ये डकलिंग डकलिंग ये कहां पर है डक के पीछे तो हम क्या बोलेंगे द डकलिंग्स आर बिहाइंड द डक डकलिंग्स डक के पीछे हैं। तो डकलिंग्स की पोजीशन शो करने के लिए कि डकलिंग्स डक के पीछे हैं, हमने क्या वर्ड यूज किया बच्चे बिहाइंड बच्चे देखो अब डक कहाँ पर है डकलिंग्स के सामने तो हम क्या बोलेंगे द डक इज इन फ्रंट ऑफ द डकलिंग्स हमने क्या वर्ड यूज किया इन फ्रंट ऑफ क्या शो करने के लिए डक की पोजीशन कि डक duck, डकलिंग्स के बिल्कुल सामने है। क्लियर बच्चे अब देखो डकलिंग कहां पर है डक की साइड में तो हम क्या बोलेंगे द डकलिंग इज बिसाइड पोजीशन शो करने के लिए कि डकलिंग डक साइड में है, हमने क्या वर्ड यूज किया बच्चे बिसाइड बच्चे अब देखो ये डक कहां पर है दोनों डकलिंग्स के बीच में तो हम क्या बोलेंगे द डक इज बिटवीन द पोजीशन शो करने के लिए कि duck दोनों ducklings के बीच में है। हमने क्या वर्ड यूज किया बच्चे बिटवीन बच्चे ये देखो ये डकलिंग है इस डकलिंग को हम चेयर के ऊपर बिठा देते हैं तो हम क्या बोलेंगे The duckling is sitting on the chair. हमने क्या वर्ड यूज किया ऑन ऑन वर्ड क्या शो कर रहा है डकलिंग की पोजिशन कि डकलिंग चेयर के ऊपर है जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है और वो नीचे वाले सरफेस एरिया को टच कर रही होती है तो हम क्या यूज करते हैं बच्चे ऑन ओके okay? बच्चे देखो ये डकलिंग अब कहाँ बैठा हुआ है इस ट्री के नीचे बिल्कुल इस ट्री के नीचे तो हम क्या बोलेंगे द डकलिंग इज सिटिंग अंडर द ट्री हमने क्या वर्ड यूज किया अंडर अंडर वर्ड क्या शो कर रहा है डकलिंग की पोजीशन, कि डकलिंग इस पेड़ के बिल्कुल इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है ओके बच्चे ये देखो बटरफ्लाई कहां पर है ऊपर और हनी भी कहा पर है नीचे तो हम बटरफ्लाई के लिए क्या बोलेंगे द बटरफ्लाई इज अब द हनी बी बटरफ्लाई हनी बी से ऊपर है ऊपर का लेवल बता रहे हैं तो ऊपर के लेवल के लिए बताने के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया अब अब देखो हनी बी कहा है नीचे तो हम क्या बोलेंगे हनी बी के लिए द हनी बी इज बिलो द बटरफ्लाई हनी भी बटरफ्लाई से नीचे है नीचे का लेवल बताने के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया बच्चे बिलो क्लियर बच्चे अब ये देखो ये कैट है कैट ने चेयर के ऊपर से जंप किया लाइक like दिस तो हम क्या बोलेंगे द कैट जम्पड ओवर द चेयर हमने क्या वर्ड यूज किया ओवर ओवरवर्ड क्या शो कर रहे है कि कैट ने चेयर के ऊपर से तो जंप किया लेकिन चेयर को टच नहीं किया ऊपर से जंप किया लेकिन चेयर को टच नहीं किया Clear? बच्चे अब देखो ये गर्ल किसको देख रही है बटरफ्लाई को तो हम क्या बोलेंगे द गर्ल इज लुकिंग एट द बटरफ्लाई तो हमने क्या वर्ड यूज किया बच्चे एट एट वर्ड क्या शो कर रहे है कि गर्ल किसको देख रही है क्लियर बच्चे अब ये देखो ये डक चलकर कहां पर आई पौंड पर पौंड मीस तालाब तो हम क्या बोलेंगे द डक वॉकड टू द पौ हमने क्या वर्ड यूज किया टू टू वर्ड क्या शो कर रहा है कि डक कहां पर आई ओके बच्चे अभी हमने एक एक्टिविटी की और उसमें कुछ वर्ड्स यूज किए लाइक अब बिलो ओवर अंडर ऑन बिसाइड बिटवीन ये वर्ड्स क्या होते हैं बच्चे प्रेपोजिशंस इन्हें क्या बोलते हैं प्रपोजिशंस ये क्या शो करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन ओके स्टूडेंट्स दिस इज पेज नंबर फिफ्टी नाइन ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली अब आप ध्यान से इस पिक्चर को देखेंगे इट इज एट थर्टी एम सुबह के साढ़े आठ बजे हैं माई मदर इज एट होम मेरी मदर घर पर है माई फादर इज एट वर्क इन हिज ऑफिस मेरे फादर काम पर है अपने ऑफिस में माय सिस्टर इज स्टिल इन बेड मेरी सिस्टर अभी बेड पर है सो रही है माय ब्रदर इज टॉकिंग ऑन द फोन इन हिज कार मेरा ब्रदर फोन पर बातें कर रहा है अपनी कार के अंदर द कैट इज अंडर द टेबल कैट टेबल के नीचे है आवर टीचर इज वॉकिंग अलोंग द रोड टू स्कूल हमारे टीचर स्कूल जा रहे हैं रोड के साथ साथ द हाईलाइटेड वर्ड्स आर प्रेपोजिशंस ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं बच्चे ये क्या है प्रेपोजिशंस जो बोर्ड लिखे हुए हैं डार्क कलर से वो क्या है प्रेपोजिशंस क्लियर पोजीशन शो करना क्लियर तो प्रेपोजिशन क्या शो करते हैं बच्चे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ओके? स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन प्लेस शो करने के साथ साथ टाइम भी शो करते हैं समथिंग हैपन। वो एक्शन के बारे में शो करते हैं कि वो एक्शन कब होता है या फिर कब हुआ फॉर एग्जाम्पल द prepositions usually show where something is located. Preposition क्या show करते हैं कि कोई भी चीज कहाँ पर है और when something happened और कोई काम कब हुआ है It means prepositions place or time show करते हैं They relate a noun or a pronoun to another word in the sentence. वो noun या pronoun को sentence के जो बाकी words होते हैं उनके साथ रिलेट करते हैं ए प्रेपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर अ वर्ड प्रेपोजिशन एक वर्ड से पहले आता है टू शो इट्स रिलेशनशिप विद अ नियर बाई वर्ड इसकी रिलेशनशिप शो करने के लिए किसके साथ जो उसके बिल्कुल पास वर्ड होता है क्लियर नाउ एग्जाम्पल्स दिस बोन इज फॉर द डॉग फोर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डॉग एंड बोन यहाँ पर प्रेपोजिशन फोर जो है वो रिलेशनशिप शो कर रहा है किसके बीच में बच्चे डॉग और बोन के बीच में द माउस गोज अंडर द बॉक्स अंडर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन माउस एंड बॉक्स अंडर जो प्रेपोजिशन है वो रिलेशनशिप शो कर रहा है किसके बीच में बच्चे माउस और बॉक्स के बीच में द बुक इज अबाउट फ्रीडम फाइटर्स अबाउट शोज द रिलेशनशिप बिट्वीन बुक एंड फ्रीडम फाइटर्स अबाउट जो प्रेपोजिशन है वो रिलेशनशिप शो कर रहा है किसके बीच में बच्चे बुक और फ्रीडम फाइटर्स के बीच में क्लियर नाउ हेयर आर सम कॉमनली यूज प्रेपोजिशंस लोकेशन बच्चे प्लेस के लिए अब बिलो ओवर अंडर अमंग बिटवीन बिसाइड विथ बिहाइंड नेक्स्ट टू ये प्रपोजिशंस यूज होती हैं टाइम के लिए एट ऑन बाय बिफोर फ्रॉम आफ्टर फॉर ड्यूरिंग टू अंटिल ये प्रपोजिशंस यूज होती हैं एक्शन एंड मूवमेंट के लिए एट बाय फ्रॉम इन टू ऑन ऑन टू ऑफ आउट ऑफ इन फ्रंट ऑफ ये प्रश यूज होती हैं ये प्रेपोजिशन ज्यादातर यूज होती हैं ओके नाउ स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन आर क्लियर टू यू सो वी विल डू एक्सरसाइज पार्ट दिस इज वर्कशीट वन ऑन पेज नंबर सिक्सटी सर्कल द प्रेपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिनी वॉक टू द स्टोर अब यहां पर रिनी का स्टोर के साथ रिलेशन कौन बना रहा है टू okay? तो टू को आप सर्कल करेंगे क्योंकि टू प्रेपोजिशन है माय कजन जम्प्ड ओवर द बसेस मेरे कजन ने बसेस के ऊपर से जंप की आप ट्राई करेंगे यहां पे प्रेपोजिशन को सर्कल करने के लिए द कार्ड इज इन द ड्रॉर अब यहां पर बच्चे इन वर्ड है इन क्या है प्रेपोजिशन जो कार्ड की पोजीशन बता रहा है कि कार्ड ड्रॉर के अंदर है तो हम इनको सर्कल करेंगे द पेपर वेट इज ऑन द टेबल पेपर वेट टेबल के ऊपर है देखिए पिक्चर में भी है टेबल के ऊपर है ना तो क्या प्रेपोजिशन आएगा यहाँ पे आप उसको सर्कल करेंगे द टूरिस्ट लुक्ड ओवर द हिल यहाँ पे टूरिस्ट का हिल के साथ रिलेशन कौन बना रहा है बच्चे प्रेपोजिशन कौन सा प्रेपोजिशन आप ट्राई करेंगे रीटा लुकड अप एट द ब्लू स्काई रीटा ने ऊपर ब्लू स्काई को देखा अब आपको मालूम है यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन है आप उसको सर्कल करेंगे द पेंसिल फेल बिटवीन द डेस्क पेंसिल टू डेस्क के बीच में दो डेस्क के बीच में गिर गई तो अब यहाँ पे क्या प्रेपोजिशन आएगा आपको क्लियर है तो आप ट्राई करेंगे मायरा स्टूड बिहाइंड मान्या अमायरा मान्या के पीछे खड़ी थी अब आपको मालूम है जब कोई किसी के पीछे होता है तो उसके लिए हम क्या प्रेपोजिशन यूज करते हैं उसको आप सर्कल करेंगे द बैंक इज इन फ्रंट ऑफ द पुलिस स्टेशन बैंक पुलिस स्टेशन के सामने है और आपको ये भी क्लियर है कि जब कोई चीज किसी के सामने होती है तो कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है उसको आप सर्कल करेंगे सेफ सेट बिटवीन द यहां पर आपको मालूम है कि सेफ ट्विंस दो के बीच में बैठा हुआ है तो अब आप सर्कल करेंगे प्रेपरेशन को क्लियर नाउ यू विल ट्राई नाउ स्टूडेंट्स योर एडवाइजरी वर्क इज ट्राई टू सॉल्व वर्कशीट गिवन ऑन पेज नंबर सिक्सटी एंड सिक्सटी वन till then goodbye